बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शर्ट बना रहे हैं अपर स्टाइल में। हम साइड पे अपर बनाएंगे। इसके लिए हमने शर्ट को कटिंग कर ली है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। अब हम दोनों पीस लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में जाएगा। ये हमारा सेंटर है। दोनों पीस को ऐसे सेंटर में रख के हम मेज़रमेंट करेंगे गले की। हम कॉलर नेक बना रहे हैं। इसके लिए हमें, ये छोटी बच्ची का है तो सिर्फ 2 इंच तक रखेंगे गले का साइज। इधर से 5 इंच पे रखेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। जब इस शर्ट को ऐसे रखेंगे तो ये हमारा सेंटर है, इधर अटैच करेंगे तो ये साइड में आ जाएगा। शोल्डर की सीधाई में ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऐसे इस शेप में बन जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे। अब हम नेक कॉलर बनाएंगे। इसके लिए हम बुकरम की पट्टी काटेंगे। हम पहले मेज़रमेंट करेंगे। हम जो फोल्ड करेंगे तो नीचे से जो कपड़ा आएगा इसके लिए हम एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। हमारी पट्टी आई है 20 इंच, तो हम बुकरम की पट्टी काटेंगे। ये हमारी लेंथ है और चौड़ाई में हम 1/2 इंच का मार्जिन करेंगे। ये छोटी बच्ची का है। गम पट्टी को काटेंगे। अब हम इस पट्टी में डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये ट्रायंगल शेप देकर आधे इंच के फासले पे हम ये डिजाइन बनाएंगे। इसे हम पूरी पट्टी पे ऐसे डिजाइन बना के, हमने ये बकरम की पट्टी को कटिंग कर ली है। अब हम इसको आयरन करेंगे ब्लैक कपड़े पे। हमने बकरम की पट्टी लगा दी है ब्लैक कपड़े पे। अब हम इसको सिलाई करेंगे। इधर से एंगल बनाया है उस पे हम पूरी पट्टी पे सिलाई करेंगे। पे हमने पट्टी पे सिलाई कर दी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड करके और आयरन कर देंगे। अब हमने पट्टी को आयरन कर दिया है। अब हम पहले ये जो फोल्ड होगा ऊपर से अपर वाला स्टाइल, इससे हमें पहले सिलाई करेंगे। हमने सिलाई कर दी। अब हमें एक बूट का मार्जिन का कपड़ा छोड़ेंगे, इस पट्टी के अंदर हम लगाएंगे। अंदर करके ये डबल फोल्ड में है, इसे अंदर करके बीच में कपड़ा आएगा। नीचे भी ब्लैक कपड़ा, ऊपर से भी पट्टी का ब्लैक कपड़ा आएगा। अब हमने पट्टी लगा दी है, एक सिलाई कर दी है। अब हम दूसरी साइड करेंगे।
अब हमने पट्टी लगा दी है। अब हमारा ये अपर स्टाइल जो है इसको हम इधर फिट करेंगे, और जो हमारी पहली जो पट्टी है हम इसे भी फिट करेंगे, लेकिन वो फिटिंग की सिलाई में पहले हम ये करेंगे। आप आयरन से प्रेस करके इधर जहाँ तक भी इसका निशान हो पानी लगा के फिर आप अटैच करें। अब हम थोड़ा सा फिट करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। हम एक पट्टी बनाएंगे जो हमारी कमीज का नीचे वाला हिस्सा है, इसको जोड़ने के लिए। ये हमारी कमीज की उल्टी साइड है। अब हम इस पट्टी को इधर जोड़ देंगे, चा पट्टी को कट कर देंगे और इधर जोड़ देंगे। अब हम इस पट्टी को आर्महोल की सिलाई में इसे फिट करेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। अब हम स्लीव लगाएंगे। हमने स्लीव लगा दिए हैं, अब हम दामन की सिलाई करेंगे। हमने दामन की सिलाई कर दी है, हमारी शर्ट रेडी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स दें, और हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।